वेलकम टू मैथ एक्सेस ICSE क्लास 10 चैप्टर 8 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए जो आपका सैम्पल पेपर ICSE ने रिलीज किया है उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज 8.3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें शायद कुछ ना आए, लेकिन इसमें से 100% क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा एक्सरसाइज 8.3 से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे। यहाँ दिया गया है कि द टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेटिबल आर कन्फर्मेबल आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। देखिए दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है कि पहले तो इनका जो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ़ कॉलम है ए में, सेकेंड वाले में उतने ही नंबर ऑफ़ रो होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर पहले वाले का ऑर्डर mn है तो दूसरे वाले का ऑर्डर n into p के फॉर्म का होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले वाले का नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ़ रो के इक्वल हो, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप एक नोट लिख सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जब दोनों इक्वल होंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के समझते हैं कि आखिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है और एक मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है कि 3-1, 5-2 एंड मैट्रिक्स बी दिया गया है 4-7। आपके बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है 4-7। ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का उसको या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आज आपको मैं मल्टीप्लिकेशन के दो ट्रिक बताऊँगा, एक तो आपके बुक में दिया गया है और एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हम काफ़ी ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, तो इसमें लिखा गया है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ith रो ऑफ ए विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ kth कॉलम ऑफ बी। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके रो को इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले के रो से दूसरे वाले के कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम लेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 में, तो 3 into 4, देन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, यहाँ लगेगा प्लस का साइन, 5 into 7। ठीक है, तो पहले के रो को जब हम पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा, पहला एलिमेंट। ठीक है, देन अब इसमें तो सिंगल रो एक ही कॉलम था, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देन सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 into 4 -4 और +2 into 7 14, यानी क्या हो जाएगा, तो 12 + 35 और यहाँ क्या आ जाएगा, तो -4 + 14, यानी जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 47/10। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देखिए इसमें दो कॉलम थे और इसमें दो रो थे, इसलिए हमने इनका मल्टीप्लाई किया, अगर ऐसा नहीं होता तो इनका हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके समझेंगे।
माने कि मैंने हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 4 6 8 और एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ये तो बुक का तरीका है जो मल्टीप्लिकेशन है, अभी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। एंड मैट्रिक्स बी हम ले रहे हैं 3 4 -1 6, ये दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले के रो से दूसरे के कॉलम को, पहले के रो से दूसरे को, दूसरे के कॉलम को, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 × 3 + 6 × 4, देन ये आपका पहला एलिमेंट बनेगा, पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, ठीक है। देन पहला रो दूसरा कॉलम यानी 2 × -1 एंड 6 × 6 + 6 × 6, ठीक है। 4 × 3 = 12, 8 × 4 = 32, 4 × -1 = 4, 8 × 6 = 48, ठीक है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 6 + 24, यहाँ क्या हो जाएगा तो -2 + 36, देन 12 + 32 और यहाँ क्या हो जाएगा -4 + 48, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, तो 34, ये हो गया आपका 44 और यहाँ आ गया 44। तो इस तरह हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लाई करने का मेथड, कि पहले रो को पहले कॉलम में, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम में, दूसरे रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो पहला वाला पहला पेयर पहला एलिमेंट बनाता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट बनाता है, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ का एलिमेंट बनाएगा, सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बनाता है। तो इस तरह हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका है ट्रेडिशनल मेथड, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के शॉर्ट ट्रिक से, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ बना करके, ठीक है, जिसमें हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे बाई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है टॉपिक इसमें कि जो मैट्रिक्स होते हैं ना इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, नॉन क्यूमुटेटिव है, नॉट क्यूमुटेटिव कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मानिए मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए के बराबर होगा, मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी ए के बराबर हो भी सकता है नहीं भी होगा, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी ए बी का मल्टीप्लाई कभी बी ए के बराबर हो भी जाएगा, ज़्यादातर नहीं होता है, यानी कि मैट्रिक्स क्या है नॉट कम्यूटेटिव है, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के बराबर नहीं होगा। इसको आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी ए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन, बहुत जल्द इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक।